अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा उसके डॉन कहलाए जाने वाले आयुक्त संजीव जायसवाल और उनके आदेश पर काम करने वाले तमाम अधिकारी इंजीनियर्स किस तरह से कानून को धता बताते हैं, ऐसी ही शिकायतें अब खारेगांव के किसानों की है। आपको बता दें, जैसे कि मुंबई, ठाणे, कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा, ये तमाम शहर और इनसे जुड़े उपनगरों के तमाम लोग जो है खारेगांव टोल नाका से जब गुजरते हैं, जब हम ठाणे मुंबई की तरफ जाते हैं और मुंबई से ठाणे की तरफ और फिर भिवंडी की तरफ आते हैं, इन दोनों तरफ जो है खारेगांव के किसान अपने बाप दादाओं के ज़माने से, अपने पुरखों के ज़माने से खेती करते चले आ रहे हैं, जिसमें से अभी फिलहाल एक 35 से 40 एकड़ ज़मीन है जो ठाणे से मुंबई पानी आपूर्ति की जो बड़ी लाइन है उससे लग करके है। यानी आप रेती बंदर के अगले चौराहा पर आएंगे तो वहाँ से सीधा जो है हाईवे से खारेगांव जाने के लिए जो लेफ्ट साइड से यानी बाईं साइड से जो रास्ता बना हुआ है नीचे उतर करके जाते हैं, वहाँ पर ये 35 से 40 एकड़ ज़मीन है। किस तरीके से यहाँ पर इन किसानों को किसी तरह की नोटिस दिए बगैर, इन्हें किसी भी तरह का कोई इनसे बात किए बगैर इनसे ये भरनी की जा रही है। भरनी करने में कुछ स्थानीय राजनीतिज्ञों का भी हाथ है। बिल्डरों के कहने पर ये भरनी हो रही है, यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट लाए जाने वाले हैं जिसके लिए किसानों को दबाया जा रहा है। ये ज़मीन कही जाती है किसी सोनावाला बिल्डर्स की है, जिसमें अलग अलग दावेदार भी है, सिकवेरा है, मैराथन वाले हैं, अलग अलग लोग हैं, इनकी कोर्ट कचहरियों में जो है एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी चल रही हैं और ये तमाम खारेगांव के लोग इनके खिलाफ भी केसेस लड़ रहे हैं। ये खारेगांव के लोग यानी यहाँ के सन ऑफ सोइल भूमिपुत्र है, किसान है, कोई चावल की खेती करता है, कोई घास की खेती करता है और अभी भी इनके मामले न्यायालय में विचाराधीन है, प्रलंबित है। उसके बावजूद बगैर किसी टेंडरिंग के वर्क ऑर्डर के जो वर्क ऑर्डर निकाला गया है वो एक्सपायर हो चुका है, उसका एक्सलेटेशन नहीं किया गया है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो क्या कह रहे हैं खारेगांव के ये तमाम किसान, इनमें से ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती है, इसलिए एक ही व्यक्ति की हमने प्रतिनिधि के तौर पर जो है पूरी जानकारी देने वाली बाइट ली है। सुनिए आप उनका क्या कहना है। और इन लोगों ने गुरुवार के दिन यहाँ पर भरनी के 25 से 30 ट्रक रोके, उनके टायरों की हवा निकाल दी, कैसा मंजर रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो विकास के लिए और इस विकास में बिल्डरों के फायदे के लिए किस तरह से शासन और प्रशासन मिलकर के काम करता है, ये पूरी तरीके से दिखाने वाली ये खबर है हमारी, जो कि खारेगांव के किसानों पर जुल्म और अत्याचार की ये जो एक कार्रवाई चल रही है, एक ये सिलसिला सा चल पड़ा है पिछले कई दिनों से। अभी तक लगभग 3,000-4,000 गाड़ियों की अवैध भरनी यहाँ पर हो चुकी है। कोई कलेक्टर की या जिलाधिकारी, तहसीलदार की कोई किसी तरह की यहाँ पर अनुमति भी नहीं ली गई है। तो देखिए हमारी इस पूरी खबर में कि कैसे यहाँ पर भरनी की जा रही है और क्या कह रहे उस भरनी को लेकर के यहाँ के किसान। क्या नाम है आपका? आप खारेगांव में रहते हैं और ये भरनी को लेकर के आपकी ज़मीनों का क्या विवाद चल रहा है? सिर्फ हमारा विवाद जो है वो भरनी के बारे में नहीं है जी। यहाँ पे जो पहले खेती यहाँ पे हरियाली छाई रहती थी, यहाँ पे खेत खलियान हुआ करते थे, वो यहाँ पे आके सब बिल्डर लोगों ने जो लॉबी घुस गई वो खेत की पूरी पाट लगा दी। अच्छा। और वो खेत जाने के वजह से हमारी जो हमें दो खाने के लिए मिलते थे दो निवाले, वो भी हमारे अभी पेट से चले गए हैं। और ये भरनी है उसके बारे में तो बता नहीं सकते हैं। ये जो है यहाँ पे रहने वाले कलेक्टर से लेकर तलाटी से लेकर सब बिल्डर लोग बिके हुए हैं और वो हमारी खेती को और ये जो खेत वाले हैं उनको पूरी तरह से नुकसान करना चाहते हैं। अच्छा, ये जमीन को लेकर के आपका कुछ जमीन मालिकों से कोर्ट में विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो क्या मामला है वो? अगर उसके बारे में हम बोलना चाहे तो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो है खेत वाले, खेत करने वाले जो है वो फिक्स है, लेकिन जो मालिक है वो इतने बदल रहे हैं जितने पति नहीं बदलते किसी औरत के। अच्छा। उतने वो पति बदल रहे हैं, वो इस तरह से हो सब कुछ हो रहा है। मतलब कई ज्यादा दावेदार है? हाँ, दावेदार बहुत है, हिस्सेदार। अच्छा। बहुत है, लेकिन जो खेत खलियान कर रहे हैं, जो खेत वाले हैं, वो सब हम ही लोग हैं, वो चेंज नहीं हो रहा है अभी तक। यहाँ के मतलब जो स्थानिक लोग हैं वो पहले से यहाँ पे रहते हैं, वो खेत खलियान करते थे, उनके पास 31 से 80 27 से लेकर सब कुछ पूरा पुरावे है।
अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो अभी भरने की गाड़ियां यहाँ पर आप लोगों ने रोकी है, तो ये कितने दिन से भरनी चल रही है यहाँ? ये कम से कम 8-10 दिन से भरनी चल रही है, और ये भरनी इतनी गलत तरीके से चल रही है ना, मतलब इसके पास कोई भी कौन से लीगल एडवाइस नहीं है, मतलब पुरावे नहीं है कि बाबा हमारे पास ये दावा है कि ये हम भरनी कर सकते हैं, वो भरनी कर सकते, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बिल्डर है, वो कोई सोना वाला है, कोई मैराथन है, वो आके हमारे यहाँ के स्थानिक दो चार लोगों को पटाता है। कौन है स्थानिक लोग उनसे मिले हुए? कोई श्याम पाटिल करके है, हमारे गाँव वाले, हमारे खुद के गाँव वाले रहकर भी हमारी मतलब ये कर रहे हैं, गले पे छुरी चल रहा है ना, वो बहुत गलत बात हो रही है। उसका हमको ज्यादा मतलब अफसोस हो रहा है कि हमारे गाँव वाले हमारे गले पे छुरी चल रहा है। अच्छा ये आज आपने तकरीबन 25-30 ट्रक रोके हैं यहाँ पर भरनी के, तो प्रतिदिन ऐसे रोजाना कितने ट्रक आते हैं यहाँ भरनी के लिए? यहाँ पे अभी तक कम से कम ना 2000 से ऊपर ट्रक आके गए हैं। अच्छा। और प्रतिदिन 300-400 लेकर ट्रक आके आते हैं, भरनी करते हैं, चले जाते हैं। उनको पूछा तुम्हारा मालिक कौन है, तो मालिक का नाम नहीं बताते। उनका ड्राइवर को पूछा तुम्हारे पास क्या लेटर है क्या, तो बोलते वो भी नहीं बताते। हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमको बोला है कि इधर बाकी भरनी करो। अच्छा ये काम क्या चल रहा है, भरनी किस लिए कराई जा रही है, कुछ मालूमात मिली है आपको, कुछ जानकारी है इसकी? अगर हम खेत वाले हैं, यहाँ पे खेत कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम मतलब मराठी में भी सांगतो, मतलब आम्ही तिथले स्थानिक भूमि शेतकरी आहोत, तो उनको पहले कोई भी बारे में नोटिस जानी चाहिए कि हमें एक नोटिस दे दो करके कि ऐसे ऐसी भरनी हो रही है, वो आपको मान्य है या न मान्य है, तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आके आप हमारे गले के ऊपर मत्ती खड़ी डाल दोगे और हम हमारा मतलब कब्रस्तान बना जाओगे, वो चलेगा नहीं ना यहाँ पे। तो अभी अगला कदम क्या होगा, क्या कानूनी कार्रवाई या लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? कानूनी लड़ाई कार्रवाई सब चालू है। अच्छा। नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब कुछ क्या होता है, हमारे पास मतलब 10 तो ये रहते हैं, बैकिंग नहीं है, कोई हमारे पास नगर सेवक जो नहीं आया कि कोई हमारे पास आके हमको बोलते हैं कि नहीं चलो तुम लड़ो हम कपड़े संभालते, लेकिन कपड़े भी हम भी संभालने पड़ रहे हैं, लड़ भी हम ही रह रहे हैं। कोई राजनीतिक दल या नेता आपकी मदद नहीं कर रहे? कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। हो भाजपा हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये सब आबादी है। अच्छा ये कुछ नहीं कर रही है। अच्छा ये सब जगह इतने मतलब बोल के फायदा नहीं है, उनको सबको मिल रहा है कुछ ना कुछ खाने के लिए, इसके लिए हमारा मतलब मुंह से निकालते पेट से भी निकालते, इसलिए आपकी खेती की जमीन कब्जा कर रहे हैं। खेती की जमीन मतलब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा एक मतलब इंडस्ट्री ऐसा कुछ बनेगा अमेरिका टाइप। अच्छा। इसके लिए वो उनको खाने का है। अच्छा। सब राजनीतियों को, इसके लिए हमें कुछ नहीं दे रहे, यानी कि बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन, बड़े लेवल पे 332 एकड़ का जगह है, 1-2 एकड़ का भाई जगह नहीं है। ये भरनी जिसमें चल रही है कितना एकड़ है, ये कितना पट्टा? ये नियर बाय 35 एकड़ जगह है, उसमें भरनी चल रही है। हाँ। अच्छा ये 35 एकड़ में भी हाँ, भरनी और वो भरनी भी कर रहे हैं ना, तो रोड के हिसाब से नहीं कर रहे। अच्छा रोड के आगे जाके कर रहे हैं, मतलब गांव वाले को खेत चले जाए ये हिसाब से कर रहे हैं। एक बार ये खेत चल जाएगा, गांव वाले चले जाएंगे और ये मर जाएंगे, इसके हिसाब से भरनी कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा, और इस जमीन पर ये भरने की गाड़ी किसके बोलने पर लेकर आए थे तुम? अरे साहब हम लोग को क्या मानना है, आदमी खाली करता था, वो हिसाब से हम गाड़ी लेके आए इधर। नहीं किसने बताई ये जगह कि यहाँ खाली करना है? वो एक आदमी बताया। कौन आदमी, उसका नाम क्या? अभी तो बाइक लेके आया गया था, वो आदमी बताया इधर लेके आओ। इधर ये कहाँ से लेके आए तुम भरनी? बम्बई से। बम्बई से कहाँ से? बम्बई साके नाका मरोल चकाला उधर से भर के लगे। गाड़ी का मालिक कौन है? गाड़ी का मालिक अभी इसमें घर पे रहता है साहब। घर पे रहता है, नाम क्या है उसका? उसका नाम है नूरुद्दीन। नूरुद्दीन कहाँ रहता है? नूरुद्दीन वो यादव नगर में। वो कहाँ है यादव नगर? कहाँ? माड़ा में रहता है। माड़ा किधर, मतलब मुंबई में? हाँ बम्बई साके नाका। साके नाका। अच्छा तुम भी ड्राइवर हो गया, क्या नाम है तुम्हारा? अकबर शेख। अकबर शेख ये कौन सी गाड़ी लेके आए, कहाँ से लेके आए तुम? ये लेके आए थाने से, लेके आए थाने से, लेके आए वागले स्टेट से। किसने भेजा यहाँ पर? अभी जो जा मिलते हमको भरने नहीं मिलती भरनी, लेकिन भरनी यहाँ हो रही है, ये किसने बताया तुमको? अभी गाड़ी देख के आते हैं हम साहब, ऐसा है। गाड़ी का धनी कौन है? दाऊद भाई है। कौन दाऊद भाई? अपने वागले के हैं। दाऊद भाई ने बोला था यहाँ लेके जाओ गाड़ी? नहीं नहीं, वो काय के लिए बोलेंगे? अच्छा आप हमारे हिसाब से हम लोग आते इधर खाली करते। नहीं तो कोई तो बताता होगा ना कि भरनी यहाँ की जा रही है, चलो अभी गाड़ी वाला बताते हैं, कोई तो लोग होंगे ना। नहीं, अभी जो गाड़ी खाली होता है ना उनके पीछे वो हिसाब से हम लोग घुस जाते हैं, ऐसा है। खारीगांव के किसानों की जमीन पर थाने मनपा द्वारा बनाए जा रहे एक रोड के लिए बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई के कोर्ट में मामलात यानी केसेस प्रलंबित होने के बावजूद, पेंडिंग होने के बावजूद जो है दादागिरी करके कैसा काम किया जा रहा है, उसमें राजनीतिज्ञों का साथ कैसा है, ये बताने वाली और इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।